क्या ये देख रहे हो, ट्रेन जा रही है, सब भाग रहे। गाइस और ट्रेन निकल रही है, भागो। हेलो जी, वी आर फाइनली बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं भाई जनता, आज का हमारा व्लॉग है स्मॉल गार्डन का और ये मेरे साथ हसन है और ये बस भाई। तो अभी हम वेट कर रहे हैं ट्रेन स्टेशन पर, इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो चलते हैं। यार मौसम काफ़ी ठंडा है, हवा चल रही है और बेसिकली जो है स्मॉल गार्डन का है, जो थरंगिया का सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन थरंगिया। तो मैं इंशाल्लाह आप हसन भाई मेरे पास मिलते हैं। हम स्टेशन में भी मौजूद है और स्मॉल गार्डन जो है यहाँ से कम से कम 5 मिनट्स के फासले पे है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं दूसरी ट्रेन का, तो जैसे आते हैं फिर इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं स्मॉल गार्डन में। फाइनली गाइज हम स्मॉल गार्डन में पहुंच गए। यह ट्रेन स्टेशन है, बहुत ही वंडरफुल सिटी है, बहुत ही जबरदस्त। देख सकते हो मौसम काफी ठंडा भी है, गर्म भी दरमियाना है। अच्छा, और ये आप चेक कर सकते हो। तो हम अभी जा रहे हैं गार्डन की सबसे टॉप एरिया है, वहाँ पे हम आपसे मिलेंगे। दोस्तों हम जूल की सड़कों पे हैं, ये भी है हमारे साथ, ये होटल है, ग्रैंड होटल है जूल पे, सबसे एक्सपेंसिव। काफ़ी अच्छा है, ये हम 3 लोग आवारागर्दी करते हुए रोड पे हमने बस मिस कर दी है। ये देख सकते हो बहुत ही शानदार किस्म का होटल है, ग्रैंड होटल। ये आप देख सकते हो इंतहाई ब्यूटीफुल स्ट्रीट है और ये हमारे पीछे जो है चर्च, काफ़ी बहुत बड़ा है। तो चलते हैं आपको और भी इधर वो सारी जगह आपको मैं दिखाऊंगा एक एक करके, हमारे साथ रहिए और लेट्स सी। हाँ तो दोस्तों कैसा रहा स्मॉल गार्डन? स्मॉल गार्डन काफ़ी छोटा है टाउन, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ की बिल्डिंग्स और घर वगैरह बड़े पुराने तरीके से बनाए गए हैं और काफ़ी मॉडर्न भी है, बीच में यूनिवर्सिटी और मॉडर्न स्टोर्स भी हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और हमारे साथ आबास भाई ये जो पहली बार आए हैं स्मॉल गार्डन, बेसिकली हम सभी पहली बार आए हैं, लेकिन ये भाई पाकिस्तान से कल ही आए हैं। तो आपको कैसा स्मॉल गार्डन कैसे लगे पहले ये बताएं हमें। यार एक तो ये काफी ओल्ड टाउन है। अच्छा, हमको सिखा रिया है, इसलिए बड़ा अच्छा है, यानी बिल्डिंग्स वगैरह बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स है और एक हेरिटेज है यहाँ पे जर्मनी की, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है यार।
शुमाल खेड़न के सिटी सेंटर में हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म का वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है ये, आप देख सकते हो। अब्बास भाई थक गए हैं इस वक्त, वो आराम कर रहे हैं। और ये इस वक्त सिटी सेंटर में हूँ, या मेरे पीछे देखो किस तरह ये आर्किटेक्चर ने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हैं। तो यही है, मैं आपको इंशाल्लाह आगे लेके चलूँगा, हम मेरे साथ रहिए और हम आगे भी सफ़र कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मैं आपको जो रिवर्स वगैरह जो चलूँगा साथ। अभी नेक्स्ट ट्रिप हमारा है म्यूजियम का, अभी वहाँ जा रहे हैं। Are you ready for the museum? Ready. So let's go. भाई साहब ये चेक करें, अभी हम ऊपर चढ़ने वाले हैं। तो इंतहाई बेहतरीन सिटी, रिकमेंडेड है आपके लिए, आप आए अंदर तो टूर करें इस जगह को, एक्सप्लोर करें सिटीज को। और ये आप देख सकते हो हम जा रहे हैं ऊपर, वो उस जगह से हम आए नीचे से ऊपर, और मजीद हमने ऊपर जाना है खत्म और म्यूजियम भी जाने। फाइनली हम म्यूजियम पहुंच गए, ये रहा म्यूजियम शुमाल खेड़न का सबसे खूबसूरत, ये चेक कर सकते हो इंतहाई पुरसकून जगह, वो घर वगैरह है। तो ये रहा म्यूजियम, और ये म्यूजियम जो है ये काफी पुराना है, 1585 से 1590 के दरमियान में ये बना था, ठीक है, काफ़ी तकरीबन 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना है और इंतहा अभी भी माशाल्लाह से खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये एक दो साल में बना होगा। तो ये रहा फुल व्यू ले ले, और ये हसन साहब जो तस्वीरें बना रहे हैं इस वक्त। ये रही म्यूजियम की अंदर वाली जगह। ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बहुत पुरानी है, ये चेक करो मेरे पीछे। और ये अभी मेरे ख्याल में आप पीछे देख सकते हो, ये रेनोवेट हो रहा है, ये चेक करें जनाब। ये इधर छोटे छोटे वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं उससे वो, या बस जो भी आप समझ लो। और ये अभी हम मज़ीद आगे जाने वाले। फाइनली हम पहुंच गए हैं लेक पे, और वो रहा लेक, और यहाँ पे बहुत ही मतलब मौसम ऐसा ठंडा नहीं है, और ये सारा हम अभी इस वक्त पहाड़ी पे है, और ऊपर वो नीचे आप देख सकते हो वो सारा शहर है इधर से, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे वगैरह भी। ये हमारे साथ दो शेर वगैरह मौजूद हैं, एक ये रहा एक वो, और ये दोनों जो हैं तस्वीरें ले रहे हैं। गाइस सुबह से हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, 8 बजे हम निकले थे मिनाओ से, क्योंकि भूख जो है बहुत ज़्यादा लग रही है। तो हसन साहब अभी खाना हमें देंगे इंशाल्लाह से, हम ब्रेड बना के लाए थे सुबह, तो हमारे साथ है। तो अभी हम आ जाओ आवाज़ भाई खाने वगैरह के लिए,
तो खोलो, बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत ज्यादा। कंट्रोल, अभी हम खाएंगे ये चीज। दोस्त कौन है, रेडी है? तो खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहे। ये किंग खान के पैलेस का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये सारा बिछा हुआ है, ये आप देख सकते हो। और इसके सामने ये छोटी सी लेक वगैरह बनी हुई है, ये इसके सामने ये सिटी वगैरह। तो ये बिल्कुल सिटी के करीब है, लेकिन ये सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से है, बल्कि पुरानी बिल्डिंग ही है ये। चेक करो, देख सकते हो। तो गाइस फाइनली हम खाना वगैरह खा चुके हैं और अभी हम आए। तो इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं। ये जो गार्डन है बेसिकली किंग हैसन का है, ये उसने बनाया था 04 में। और ये किंग का गार्डन है, पीछे आई थिंक सो महल होगा। ये आप पीछे देख सकते हो, ये दो सिंबल वगैरह के जो लाइन के सिंबल है वो आपको दिखाई देंगे। और इस हिसाब से तो हमें भी एजाज होना चाहिए, हम भी किंग खान है यार, किंग सनी खान। You serious? वाह, किंग हसन, किंग अब्बास साहब। तो ये था हमारा शुमाल गार्डन का छोटा सा टूर। तो बहुत मजा आया हमें इधर आके एक्सप्लोर किए चीजें। और नहीं बेसिकली हम किसी और सिटीज़ में गए, म्यूनिख में गए, पहले फ्रैंकफर्ट में जब आए थे वहाँ भी गए, लेकिन वहाँ ये था कि मॉडर्न थी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न बिल्डिंग्स थी। लेकिन यहाँ हमने जो बहुत सारी चीज़ें देखी, यहाँ थोड़ी ओल्ड है और ये मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जिसको हिस्ट्री से रिलेटेड शौक हो तो वो यहाँ विजिट करे लाजमी, शुमाल गार्डन। और वो चेक कर सके, वो ऊपर आप देख सकते हो, नेचुरल ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और ओवरऑल बहुत प्यारा सिटी है, छोटा सा शॉर्ट सा, और हमारा टूर भी शॉर्ट सा था और बहुत मजा आया, काफी बहुत मजा आया, पुरसकून है वैसे, बहुत जबरदस्त। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा, बाकी वो आप उन्हें दिखाएं, बेंच पे बैठे हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप आए इधर टूर करें, एक्सप्लोर करें। और इसमें बहुत सारी जगह है, वैसे तो हम हमारे पास टाइम काफी थोड़ा है, लेकिन हम नहीं जा सके। हमने कोशिश की कि हम बहुत सारी चीजों को कवर करें, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि आप आए इस जगह को एक्सप्लोर करें। आपको कैसा लगा भाई स्मॉल गार्डन? यार स्मॉल गार्डन का यही है कि हिस्टोरिकल प्लेस है और काफी यानी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, चर्चेज हैं, फिर ये पैलेस था। तो यही है कि बाकी सिटीज में यानी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे काफी ओल्ड एक आप ना हिस्टोरिकल टाइम में चले जाते हो। मतलब स्मॉल गार्डन को हम एज ए हिस्टोरिकल सिटी भी कह सकते हैं। तो जिस तरह इसके व्यूज हैं प्लेन्स के ऊपर, यानी हिल स्टेशंस के ऊपर घर बने हुए हैं, और बड़ा ही अच्छा है सिटी लगा। हाँ बहुत अच्छे है, और यहाँ पे और भी टूरिस्ट के लिए बहुत मजे की जगह लोग आते हैं। तो बस इसी बात पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मस्त कर देना। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ रहिए।